हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्रीक्स। और आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सैमसंग की कर्व मॉनिटर, जो कि है 24 इंचेस। और इसके प्राइस, इसके स्पेसिफिकेशन, तो इसकी जो भी काम की चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरी देखना, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो गाइज, मैंने अनबॉक्स ऑलरेडी कर लिया है, तो अनबॉक्सिंग में फालतू में वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए मैंने वीडियो को शॉर्ट रखा है कि आप लोग पूरी जो डिटेल है वीडियो की वो आप देख सको। तो आपको जो बॉक्स के अंदर कुछ खास चीज़ें नहीं मिलेंगी, बॉक्स में आपको मिलेगा ये TFT जो इसकी ये LED पैनल स्टैंड, जो इसकी केबल आती है पावर केबल, और इसके साथ HDMI केबल भी फ्री मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स के साथ मिलेगी, और जो इसके मैनुअल्स हैं वो मिलेंगे उनको, ऑल्दो कोई देखता नहीं है। तो क्विकली मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ। तो फ्रंट कुछ ऐसा व्यू आता है स्क्रीन का, स्क्रीन के ऊपर यहाँ सामने कोई बटन नहीं है, विच लुक्स वेरी एलिगेंट, क्योंकि अगर आगे बटन रहते हैं तो बेकार दिखती है। इसके ठीक पीछे ही बटन है, वहाँ से आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ब्राइटनेस और जितने भी मोड होते हैं सारे आप यहाँ से क्विकली एक्सेस कर सकते हो। तो ये बटन आपको स्क्रीन के ठीक पीछे मिल जाएगा, तो यहाँ से आप इसके आई सेवर मोड ऑन कर सकते हो, और जो भी इसके फंक्शनलिटीज़ हैं स्क्रीन में, मेन्यू खोल के आप इसके पिक्चर, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, सिस्टम इंफॉर्मेशन, सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। और कलर के ब्राइटनेस, कलर जो सब आपको सामने दिख ही रहा है कि आप क्या क्या कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। और इसमें आपको HDMI पोर्ट मिलता है, HDMI पोर्ट की भी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, पोजीशन कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी जो भी स्क्रीन की है वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और मॉनिटर का जो पावर बटन भी यही है, ऑन ऑफ भी यहीं से होता है, इफ़ यू वांट टू ऑन ऑफ योर सिस्टम तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये सिस्टम के बारे में सब कुछ, तो पीछे यहाँ से आप सब कुछ इसका एक्सेस कर सकते हो। और क्विकली मैं आपको इसका बैक साइड दिखा देता हूँ। तो मैंने ये तारें कुछ इसकी एडजस्ट कर ली हैं, तो आपको एक ये जो पोर्ट मिलेंगे, आपको पोर्ट मिलेंगे खाली HDMI, एक ये VGA केबल का, ऑलरेडी अभी ये कोई यूज़ नहीं करता। ऑक्स का एक ऑप्शन दिया गया है कि आप ऑक्स इसमें से यूज़ कर सकते हो, सीधा अपनी ऑक्स लीड यहाँ लगा लो, पावर केबल। और अगर आप इसको स्टैंड पे यूज़ नहीं करना चाहते हो तो यू कैन माउंट दिस स्क्रीन टू द वॉल। तो इसमें माउंट के भी ऑप्शन दिए गए हैं, बट स्टैंड नहीं है। अगर आप इसको माउंट करना चाहते हो तो आपको स्टैंड एक्सटर्नल खरीदना पड़ेगा। और जो मैं आपको बटन बता रहा था, तो ये हैं वो सारे बटन, यहाँ से आप पूरा जो मॉनिटर है इसको क्विकली एक्सेस कर सकते हो। और जो ये इसका स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर बात करते हैं, तो स्टैंड इसका ऐसा नहीं है कि आप इसको ऊपर नीचे कर सको, जो स्टैंड उन्होंने जैसा बनाया हुआ है ऐसा ही रहेगा। तो अगर आप लोग इसको ऊपर नीचे करने की सोच रहे हो तो ये नहीं होगा। और बाकी ये पावर कॉर्ड पूरी मैंने खुद ही एडजस्ट कर ली, यहाँ आपको सैमसंग की ब्रांडिंग, और यहाँ साइड में आपको सैमसंग के जो ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी इस PC के ऊपर है वो। बात करते हैं इसकी क्विकली कि इसकी वारंटी कितनी है, तो 3 साल इसकी वारंटी है सैमसंग की तरफ से, और बाकी सब कुछ आपके सामने ही है। तो इसमें मैंने अभी तक गेम तो खेल के देखे नहीं है, क्योंकि मेरे को गेमिंग के लिए उतना चाहिए नहीं, बट जो मॉनिटर बोला गया है इसमें बोला हुआ है इन्होंने कि कंपनी ने कि गेमिंग के लिए अच्छा मॉनिटर है, और ऑल्दो 24 इंचेस का है तो अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस आएगी आपको। और अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो प्राइस जो मुझे इसका पड़ा है वो है 9300, विच इंक्लूड्स GST। और अगर आप इसे ऑनलाइन देखोगे तो मेरे ख्याल से 9800 की थी जब मैं देख रहा था, अब का प्राइस मुझे पता नहीं है। तो यू कैन गो टू द ऑनलाइन वेबसाइट्स, तो और आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू गाइज कि अगर आप लोग कुछ भी चीज़ लेना चाहते हो तो एक बार ज़रूर जाके ना अपने ऑफलाइन मार्केट में चेक कर लिया करो। कई बार क्या होता है, जो ऑनलाइन प्राइस है वो बहुत महंगा है, और ऑफलाइन में आपको सही चीज़ और आप देख के अपने आंखों के सामने ले सकते हो। जब मैंने स्क्रीन ली तो ऑनलाइन जब मैं इसे देख रहा था लेने, तो मैं AOC की गया था, AOC की एक और ऐसी सेम कर्व्ड मॉनिटर आ रहा था, बट जब मैं दुकान पे गया ये 9800 ऑनलाइन दिख रहा था, और वहाँ मुझे 9300 का पड़ गया था, और लगभग 500 करीब सस्ता था। और जो AOC की स्क्रीन मैं ऑनलाइन देख रहा था वो भी वहाँ कम से कम 700-800 रुपये सस्ती थी, बट जो दुकान वाले भैया थे जो मुझे जानते थे उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि सैमसंग और AOC दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा, क्योंकि सैमसंग के ज़्यादातर लोगों को पता भी है कि सैमसंग है ही इन चीज़ों में, TV मॉनिटर्स बनाता है, ऑल्दो AOC है भी इन सब चीज़ों में, बट थोड़ा कंपनी का फ़र्क है। इसलिए इसमें और जो AOC के उन्होंने मुझे रेट बताए, ऑनलाइन नहीं बता रहा, 500 रुपये का फ़र्क था, तो मैंने इसलिए कर्व मॉनिटर सैमसंग लिया। बाकी ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी, यूट्यूब पर अगर आप 4K वीडियो देखोगे तो अमेजिंग वीडियो आएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक
स्टोरी में डाले थे, इसका और इससे पहले जो मेरे पास एक एचपी की है इलाइट डिस्प्ले, उन दोनों का कंपैरिजन। तो एकदम ये वाली स्क्रीन जो एचपी इलाइट की 20,000 की स्क्रीन है उसको पूरा मुकाबला कर रही थी, टक्कर तो नहीं दे रही थी बट मुकाबला कर रही थी। तो ये था एक छोटा सा क्विक टूर मेरी नई सैमसंग कर्व मॉनिटर के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे आप अगर नए आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रीक्स वीडियो। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो भी आएगी स्क्रीन के ऊपर ही, एचपी की स्क्रीन, और वो रहेगी ये, उसका क्विक टूर दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।